नमस्कार, आप देख रहे हैं रुचि लाइव। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बन सकते हैं महाराष्ट्र के अगले गवर्नर। जी हां, सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जगह ले सकते हैं। वैसे कैप्टन कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय कर दिया था। देखिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाल ही में बीजेपी की 83 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि भाजपा अमरिंदर सिंह को लेकर गंभीर है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की टॉप लीडरशिप में इसको लेकर सहमति बन गई है। कैप्टन को नया रोल सौंपने की चर्चा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कैप्टन के प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे संबंध हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब के पटियाला में रैली होने वाली थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस रैली में हिस्सा लेने वाले थे और रैली के लिए पूरी तैयारियां हो गई थी। बताया जा रहा है कि कैप्टन इस रैली के जरिए पंजाब में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे थे। हालांकि अब बताया जा रहा है कि इस रैली को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद इन चर्चाओं को और जोर मिला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया जा सकता है। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चर्चा में आया था। हालांकि बाद में भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बना दिया था। उस वक्त कैप्टन विदेश में इलाज करा रहे थे और तब तक कैप्टन ने अपनी पार्टी को भी अलग रखा हुआ था। इससे पहले कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई थी। उन्होंने साल 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। हालांकि उनकी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल सितंबर में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उन्होंने अपनी पार्टी का भी बीजेपी में विलय कर दिया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से हटने की इच्छा जताई थी। भगत सिंह कोश्यारी साल 2019 में महाराष्ट्र के गवर्नर बने। इस पद पर उनका अभी तक का कार्यकाल कई विवादों से घिरा रहा है। विपक्षी दलों ने उनके ऊपर महाराष्ट्र का अपमान करने और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए। ऐसे में अब जबकि चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं, तो देखना यह है कि सरकार का महाराष्ट्र के नए गवर्नर की औपचारिक घोषणा करती है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रुचि लाइव के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।